ग्यारहवीं की पाठ चार प्राथमिक चिकित्सा उपचार पढ़ेंगे। जैसे इसमें बताया है कि प्राथमिक उपचार, हम घर में अगर कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो उसके बारे में हमने बताया है। इसका अर्थ बताया था आधुनिक युग में कि वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया और सुविधाजनक व सरल बना दिया इसको। साधनों के कारण मानव जीवन प्रतिदिन जटिल हो गया और भी जटिल होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज दुर्घटनाएं भी अधिक हो रही हैं। दुर्घटनाओं का कारण अधिक गति पकड़ना है, स्वचालित मशीनें, चाहे वह फैक्ट्री हो या कहीं भी ऑफिस दफ्तर सभी हो। यदि घायल व्यक्ति को उपचार किया जाए तो उसमें स्वचालित मशीन से, जैसे फैक्ट्री हो या आदि दुर्घटना के भीतर यहाँ कहीं होती है तो बाहर कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन प्रत्येक अवसर पर दुर्घटना होते ही डॉक्टर को हमें बुलाना संभव नहीं होता है। तो घायल अस्पताल पहुँचाने तक डॉक्टर के आने का उपचार करते हैं। अब है प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का कुशल चिकित्सक, जैसे डॉक्टर, पहुंचने तक किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा घायल को दी जाने वाली चिकित्सा। फर्स्ट एड बॉक्स, जैसे हम घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना, डेटॉल हुआ, साबुन हुआ और रुई, कॉटन, कैंची, ये सब फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। प्राथमिक चिकित्सा तत्काल एवं अस्थायी उपचार है जो किसी दुर्घटना या अचानक बीमार व्यक्ति को दी जा सकती है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र है बहुत सीमित है, चिकित्सा को स्वयं चिकित्सा सीमित ही रखना चाहिए, बाकी विशिष्ट उपचार डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं मानव जीवन की रक्षा करना, मानवीय कर्तव्य को निर्वाह करना, अचानक दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमार हो जाए तो डॉक्टर के आने तक इंतजार करना, डॉक्टर को बीमार व्यक्ति की जानकारी प्रदान करना। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं परिस्थिति के अनुसार परम आवश्यक कार्यों को शीघ्रता तथा शांति से बिना किसी भय के करें। यदि श्वास क्रिया रुक जाए तो कृत्रिम श्वास दें, प्रत्येक क्षण रोगी के जीवन के मूल्य रखता है। रक्त स्राव किसी भी प्रकार का हो उसे बंद करने का प्रयत्न करना चाहिए। घायल को सदमे से बचाने की कोशिश करना चाहिए। घायल को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, उसे लेटे रहने देना चाहिए, उसे एक प्रकार से सीधा आरामदायक और स्थिति में लेटाए रहना चाहिए। परिभ्रमण सामान्य रूप से होता रहे। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है उस स्थान पर पुनः दुर्घटना होने की संभावना हो तो सावधानी से वहां हटाकर सुरक्षित स्थान ले जाना चाहिए। घायल व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तो खपच्ची लगाकर अचल से स्थल से हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। घायल व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भयहीन करता है तो उसे उनकी उत्सुकता कम हो जाती है। घायल की चिकित्सा उतनी ही करनी चाहिए जो जीवन को बचाने के लिए है। जितने वस्त्र ढीले पहनेगा उतारने की आवश्यकता करें, उतने ही उतारें, अनावश्यक ना उतारें। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करें। घायल को ही डॉक्टर के पास अस्पताल पहुंचाने की प्रयास करें। प्राथमिक चिकित्सा के गुण है प्रशिक्षित, तीव्र निरीक्षण शक्ति, साधन कुशल, स्पष्टवादी, ताकतवर, निर्णयात्मक, बुद्धि, धैर्यवान और साहसी, सहनशील, दयालु, आत्मविश्वास, सामाजिकता, मृदु भाव। प्राथमिक चिकित्सा के कर्तव्य हैं, सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा का घटना स्थल पर डॉक्टर बुलवाने की व्यवस्था करना चाहिए। डॉक्टर के आने तक उचित देखभाल करनी चाहिए। रक्त बह रहा हो तो रक्त स्राव को बंद करने की कोशिश करें। यदि सांस लेने में रुकावट हो तो कृत्रिम श्वास दें। अस्थि भंग हो तो घायल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जटिल अस्थि हो तो हड्डी अपने स्थान से ना हट जाए इसलिए उसे धीरे से वहीं रहने दें। यदि जहर पी लिया है तो कौन सा जहर पिया है, साधारण जहर है, वमन करने हैं, यदि घातक है तो जहर का घोल पीने दें, पीने को दें जैसे अम्ल की या सोडे का घोल। यदि सदमा पहुंचा है तो चाय कॉफ़ी, मोच आई है तो उसे कुछ लगाएं जैसे बर्फ की डली। फिर है प्राथमिक चिकित्सा की उपयोगिता। दैनिक जीवन में प्रतिदिन होने वाली सामान्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के उपचार के लिए यह उपचार किया जा सकता है। समय तथा धन की आवश्यकता या व्यय की बचत हो सके। बेहोश दशा में घबराएं नहीं। चिकित्सक के आने तक उपचार कर प्राथमिक उपचार दें। चिकित्सक को तुरंत मरीज तथा दुर्घटना की जानकारी दें। चिकित्सक के कार्य में सहयोग दें। रोगी को स्वास्थ्य ठीक करने में सहयोग दें। विभिन्न रोगों का सामान्य से भयंकर बीमारी से बचाने का प्रयास करें। देश, राज्य, शहर, अन्य दुर्घटना होने पर नागरिक सुरक्षा का घायलों की सेवा करें। प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक
सामग्री सुई धागा स्वच्छ रुई फीता पेन कैंची खपच्चियाँ पट्टियाँ गिलास विक्स की डब्बी शीशी आदि ये सब। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर इसमें दीर्घ उत्तर प्रश्न है, ये सब आपको कॉपी में आपको लिखकर इनके आंसर लिखने हैं।